dear students and viewers assalamu alaikum today our topic is operational amplifier as non inverting amplifier ऑपरेशन एम्पलीफायर एज़ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एम्पलीफायर मीन एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब है कि जो इनपुट सिग्नल आ रहे हैं उनको एम्पलीफाई तो कर दी है लेकिन इन्वर्ट नहीं किया अगर क्रस्ट आ रहा है तो क्रस्ट ही आउटपुट के तौर पर मिलेगा अगर ट्रफ़ आ रहा तो ट्रफ है तो ट्रफ़ ही हमें आउटपुट के तौर पर मिलेगा फेज डिफरेंस ज़ीरो होगा यानी दोनों इनपुट और आउटपुट आपस में इन फेज़ होंगे फेज डिफरेंस ज़ीरो रहेगा जस्ट ये होगा कि इससे वो इनपुट सिग्नल एम्प्लीफाई हो जाएगा सर्किट डायग्राम कुछ इस फॉर्म में है कि हमारे पास ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये टर्मिनल हमारे पास इन्वर्टिंग और ये हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग है और इसके साथ रेजिस्टेंस और वन कनेक्टेड है जो कि ग्राउंड है कर दिया गया है आर वन और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वी माइनस और इसके साथ कनेक्टेड है सेकेंड रेजिस्टेंस आर टू और इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग को और इसका दूसरा टर्मिनल हमने ग्राउंड कर दिया और ये हमारे पास इन दो टर्मिनल के इन बिटवीन हमें वी आउट मिलेगा अब हमारे पास जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ओपन लूप गेन कैन बी डिफाइंड एस द रेशियो बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड डिफरेंस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग वोल्टेज इज़ कॉल्ड ओपन लूप गेन इट्स वैल्यू इज़ वेरी लार्ज इन द ऑर्डर ऑफ टेनज पर फाइव अब ये वैल्यू लार्ज तभी हो सकते हैं जब डिनोमिनेटर क्या होगा समाल होगा और डिनोमिनेटर समाल कहाँ तक होगा यानी ये अप्रोच कर सकता है किस को ज़ीरो को दिस इज नियरली इक्वल टू ज़ीरो जब ये ज़ीरो के इक्वल है तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि वी प्लस इज नियरली इक्वल टू वी माइनस यहाँ पे ये चीज़ हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि V प्लस हमारे पास किसको को के साथ कनेक्टेड है Vn के साथ तो जब V प्लस V इन के बराबर है तो जाहिर है कि V माइनस भी V इन के बराबर होगा तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि V प्लस नियरली इक्वल टू V माइनस विच इज़ नियरली इक्वल टू V इन ये हमारे पास इसके नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग किसके बराबर रहेंगे वी इन के बराबर अब हमें कैलकुलेट करना है कि करंट फ्लोइंग एक्रॉस द रेजिस्टेंस आर वन ओहला अप्लाई करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं आई वन इज इक्ल टू वी इज टू आई आर आई इज टू वी ओवर आर अब इस रेजिस्टेंस आर वन में इसके लेफ्ट साइड पे जो पोटेंशियल है वो ज़ाहिर है ग्राउंड है तो वो हमें पोटेंशियल क्या मिलेगा जीरो माइनस राइट right साइड पे जो इसका टर्मिनल है वो वी माइनस से कनेक्टेड है ओवर आर वन और हमारे पास ये आई वन आ जाएगा आई वन इज इक्वल टू जीरो को ख़त्म कर दिया माइनस वी माइनस किसके बराबर है वी एन के बराबर है तो माइनस वी एन ओवर आर वन ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन अब हम कैलकुलेट करते हैं कि करंट फ्लोइंग रेजिस्टेंस आर टू आई टू इज इक्वल टू अब इस आर टू के लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो पोटेंशियल है वो है वी माइनस माइनस और राइट right साइड पे जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है वो वी आउट वी आउट ये उनका जो डिफरेंस है का वो नेट पोटेंशियल आ जाएगा इसके दोनों एंड्स का पोटेंशियल इस साइड पे वी माइनस और इस साइड पे वी आउट ओवर आर टू आई इज इक्ल टू वी और आर अब यहाँ पे आई टू इज इक्वल टू वी माइनस किसके बराबर है वी माइनस इज इक्ल टू वी एन तो ये बन जाएगा वी इन माइनस वी आउट ओवर आर टू और इसी में हम लिख सकते हैं आई टू इजिकल टू वी एन ओवर आर टू माइनस वी आउट ओवर आर टू ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर टू अब यहाँ पे हम करच फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं कि सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो या इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट तो ये बन जाएगा हमारे पास आई वन इज टू आई टू और आई वन हम देख चुके हैं किसके बराबर है माइनस वी इन ओवर आर वन माइनस वी इन ओवर आर वन इज इक्वल टू आई टू जिसको हम देख चुके हैं वी इन ओवर आर टू माइनस वी आउट ओवर आर टू अब वी इन एक साइड पे कर लेते हैं तो यहाँ पर वी इन ओवर आर टू प्लस हो रहा है इस साइड पर आकर ये माइनस हो जाएगा हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि माइनस वी इन ओवर आर वन माइनस वी इन ओवर आर टू इज इक्वल टू ये वी इन ओवर आर टू इस साइड पर आकर माइनस हो गया इज इक्वल टू माइनस वी आउट ओवर आर टू अब इस सारी इक्वेशन में हमें मिल रहा है कि हर जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव में आ रहा है तो हम सारी इक्वेशन के साइन चेंज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा v in over r1 plus v in over r2 is equal to v out over r2 इसमें से राइट साइड पे हम v in को कॉमन ले लेते हैं v in कॉमन आ जाएगा बाकी रह जाएगा 1 over r1 plus 1 over r2 is equal to v out over r2 अब v in इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और v R2 इधर डिवाइड हो रहा है इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देते हैं ये इधर डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वी इन वो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा ये बन जाएगा आर टू इन टू वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू इज इक्वल टू वी आउट ओवर वी इन अब यहाँ पे हम आर टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा आर टू Over R1 plus R2 over R2 is equal to V out over V in. V out over V in, the ratio between output voltage and input voltage is known as voltage gain in an amplifier, is equal to R2 over R1 plus 1. वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आर टू ओवर आर वन प्लस वन और इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं जी इज इक्वल टू वन प्लस आर टू ओवर आर वन वोल्टेज गेन हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब ये हो गया कि जो इनपुट हम सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं वो जब आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या होगा इन फेज़ होगा उनमें फेज डिफरेंस जीरो आएगा अगर क्रस्ट आ रहा है तो क्रस्ट ही मिलेगा अगर ट्रफ आ रहा है तो ट्रफ ही मिलेगा एम्पलीफाई होगा और दोनों इनपुट और आउटपुट इन फेज़ होंगे फेज डिफरेंस ज़ीरो होगा ये था हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर एज़ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़